हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बनाएंगे एक हेल्दी क्लासिक सिंपल ओट्स मैंगो स्मूदी। ये एक वीगन स्मूदी है। ब्रेकफास्ट स्मूदी जो है एक वन ऑफ द इजीएस्ट एंड बेस्ट वे होता है टू स्टार्ट योर डे ऑन अ हेल्दी एंड होलसम नोट बिकॉज इट्स क्विक। ये जो ब्रेकफास्ट स्मूदी है इट इज पैक्ड विद गुडनेस ऑफ फ्रेश मैंगोज एंड क्विक ओट्स। इसे मैंने टॉप किया है कुछ आमंड्स के साथ, इसमें हनी ऐड किया है और ये वन ऑफ माई फेवरेट समर ब्रेकफास्ट स्मूदी है जिसे मैं बना सकती हूँ बिना पसीना बहाए समर्स में इन माय किचन। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 4 टेबलस्पून क्विक ओट्स को मैंने सोक किया था। आप थोड़ी देर के लिए सोक कर सकते हैं, 30-40 मिनट्स के लिए, रात में भी करके रख सकते हैं लेकिन फ्रिज में रखना होगा। 1 कप मैंने कोकोनट मिल्क लिया है, ये घर का बना हुआ कोकोनट मिल्क है 300 ml के आसपास। अगर आपके पास नहीं है तो आप डेयरी मिल्क यानी काउ मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप मैंने लिया है राइप मैंगो, यानी कि जो बड़ा मैंगो आता है वो हाफ हमें लेना है। इसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं, चंक्स कट कर लिए हैं। 1 टीस्पून पीनट बटर, 1.5 यानी 1.5 चम्मच के आसपास प्योर हनी। नाउ ये जो राइप मैंगो था थोड़ा सा खट्टा था, अगर ज़्यादा मीठा हो आपका मैंगो तो आप हनी का पोर्शन कम कर सकते हैं। सो एज़ पर योर टेस्ट आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ मैंने थोड़ी सी दालचीनी ली है, ये इसके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। साथ ही इम्यूनिटी से भरा हुआ इसे बनाने के लिए मैंने पिंच ऑफ ऑर्गेनिक हल्दी यानी टर्मरिक और काली मिर्च ली है ताकि हल्दी का अब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छा हो जिसके अंदर कर्क्यूमाइन होता है। साथ ही 5 मैंने लिए हैं सोक किए हुए छिलका उतारे हुए आमंड्स यानी बादाम। आधा स्कूप मैंने प्लांट प्रोटीन लिया है लेकिन आप स्किप कर सकते हैं, ये मेरी पोस्ट वर्कआउट की स्मूदी थी तो मैंने इसमें प्रोटीन पाउडर ऐड किया है लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर थोड़े से चंक्स लिए हैं फ्रोजन बनाना के। मैं इस स्मूदी को क्रीमी बनाने के लिए आइस चंक्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैंने अपने बनाना को, क्योंकि अभी हम बल्क में ऑर्डर करते हैं, मैं उन्हें फ्रीजर में फ्रोज कर देती हूँ और फिर उसके बाद वो आइस क्यूब का काम करते हैं, वो हमारी स्मूदी को ज़्यादा क्रीमी और ज़्यादा डिलिशियस टेक्सचर देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये आप स्किप कर सकते हैं। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। कोकोनट मिल्क सबसे पहले मैं ऐड करूंगी बॉटम में ब्लेंडर के। एज आई सेड कि आपको सोक ओट्स लेने हैं, ये मैंने कम से कम 3/4 कप पानी में ऐड किए थे और इन्हें सोक कर दिया था। मैंगो की स्लाइसेस, फ्रोजन बनाना, प्रोटीन पाउडर, ऑर्गेनिक टर्मरिक, काली मिर्च का पाउडर, प्योर पीनट बटर, हनी, बादाम और सेलोन सिनेमन मैंने ऐड कर दी है। इसके बाद बचा हुआ मिल्क भी मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है। इसे मैं ब्लेंड करूंगी जब तक कि ये अच्छी तरह से स्मूथ ना हो जाए। ये जो स्मूदी है थोड़ी थिक स्मूदी होगी, आप चाहें अगर कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली करना चाहते हैं तो इसमें कोकोनट वाटर अगर आपके पास है, अगर आपने घर पे ही कोकोनट मिल्क बनाया है तो जो उसका वाटर होता है वो आप ऐड कर सकते हैं, प्लेन वाटर या मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मैं पॉर कर रही हूं एक जार के अंदर। इसे मैंने टॉप कर दिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट से, तो आमंड्स जो थे मेरे पास थोड़े से वो मैंने ऐड कर दिए हैं, स्प्रिंकल कर दिए हैं और थोड़े से चॉप किए हुए मैंगो गार्निश के लिए। इसे आप सर्व कीजिए और इमीडिएटली कंज्यूम कीजिए। फ्रूट स्मूदीज को स्टोर करने की कोशिश ना करें, ट्राई करें कि आप उन्हें तभी बनाएं जब आपको कंज्यूम करना है। अगर आप थोड़े अमाउंट में ले रहे हैं तो इसे आप एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। सो दिस रेसिपी सर्व्स 1-2 persons डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसे ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर रहे हैं या फिर स्नैक में।
सो आई होप यू एंजॉयड दिस सिंपल रेसिपी. बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इसके अंदर बहुत सारा फाइबर है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. आम जो होता है समर्स का फ्रूट होता है, वो फ्रूट्स का राजा होता है, और हर सीजनल फ्रूट को डाइट के अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि समर के जो आम होते हैं वो हमें आने वाले सीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं, यानी कि रेनी सीजन के लिए, जब हमें एंटीऑक्सीडेंट से हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाकर उस समय जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हें फाइट करने के लिए रेडी होना चाहिए. बाकी मैंने इसके अंदर हल्दी जो ऐड की है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, इसका डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगी, साथ ही जो बाकी स्पाइसेस हैं जैसे कि दालचीनी वो भी आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगी. तो एक कहेंगे ऑल इन वन ये रेसिपी है, हर तरह से आपके लिए न्यूट्रिशियस है, इसे ज़रूर ट्राई करें. ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक और रेसिपी की पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम में शेयर करना ना भूलें. ये एक वीगन रेसिपी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर काऊ मिल्क भी एज आई सेड ऐड कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. Stay healthy, stay fit, stay active and stay safe. I'll be back very soon with another interesting, simple recipe. Until next time, you take care. Bye-bye.